हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख सकते हैं आप, टॉपिक है आपका हास्य रस। तो क्या होता है हास्य रस, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो अब भैया हास्य रस हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इसका जो लक्षण होता है और हम परिभाषा कैसे देंगे, अगर कोई उदाहरण दिया हो तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें हास्य रस है या कोई सा भी रस है, ठीक है, तो सब कुछ बताएंगे। तो लक्षण में हमें करना क्या है, इसका लक्षण हम कैसे पता चलेगा कि हास्य रस है, लक्षण के माध्यम से ही तो पता चलेगा क्या क्या लक्षण है उसमें। परिभाषा देंगे, उदाहरण देंगे और स्पष्टीकरण देंगे। अब भैया स्पष्टीकरण क्यों देंगे, क्योंकि हमें दूसरों को समझाना है, एग्जामिनर को समझाना है, ठीक है। तो परिभाषा से केवल काम नहीं चलेगा। तो परिभाषा में आज की है, तो परिभाषा में रस में क्या होता है, भाव और विभाव का संयोग होता है। परिभाषा किससे बनती है, भाव और विभाव के संयोग से रस की परिभाषा बनती है। और जो उदाहरण होगा उसमें अगर जो चाहे जो सा भी रस हो, करुण रस हो, हास्य रस हो, वीर रस हो, तो अगर स्थाई भाव की पुष्टि हो रही है उदाहरण में तो हम वही रस कह देंगे। अगर यहाँ पे इसके उदाहरण में जिस चीज का भी उदाहरण है, जैसे हास्य रस का हम उदाहरण लेंगे, वहां पे इसके स्थाई भाव हास्य की पुष्टि हो गई तो हम कह देंगे ये हास्य रस का उदाहरण है, ठीक है। और स्पष्टीकरण कैसे देंगे, स्पष्टीकरण जो निष्कर्ष निकल के आएगा परिभाषा और उदाहरण का, उसके आधार पर हम स्पष्टीकरण देंगे। तो डेफिनेशन देख लीजिए, इसका स्थाई भाव हास्य होता है। हास्य रस का जो स्थाई भाव होता है वो होता है हास्य। क्या होता है, हास्य। तो क्या कहेंगे, जहां पे हास्य नामक स्थाई भाव हो, जहां पर एक ही स्थाई भाव है, इसी से हम पूरी डेफिनेशन बनाएंगे। देख लीजिए आप, इसका स्थाई भाव हास्य होता है जहां पर, कहां पे, काव्य साहित्य में हास्य नामक स्थाई भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो और संचारी भावों का संयोग हो, उससे मिलकर जो रस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। कहते हैं ना भाई, हास्य रस कहेंगे। इसका स्थाई भाव होता है हास्य। इसका स्थाई भाव क्या होता है, हास्य होता है। किसका, हास्य रस का। जहां पर, कहां पे, काव्य साहित्य में ही रसों का यूज होता है। जहां पर हास्य नामक स्थाई भाव हो, विभाव में उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, अनुभाव हो और संचारी भाव हो, इन चारों चीजों के संयोग से जो रस रूप में परिणत होता है या बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, उसमें स्थाई भाव हो हास वाला, उसका विभाव भी हास वाला हो, अनुभाव भी हास वाला हो और जो संचारी भाव हो वो भी हास वाला हो, तभी तो हम उसको हास रस कहेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए एग्जाम्पल है इसका, तो यहाँ पे शंकर जी के विवाह का एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देखिए, हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को। यहाँ पे शंकर जी के विवाह जो हिमालय की पुत्री पार्वती जी से होने वाला था, तो वहां पे जब शंकर जी बारात लेकर गए थे दूल्हा बनके, तो उनके विचित्र रूप को देखकर सब लोग हंस रहे थे, हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। तो उसी की कहानी है इस एग्जाम्पल के माध्यम से। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को। दूल्हा दिगंबर यानी शंकर जी जो दूल्हा बने हैं उनको देखकर सब लोग हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भाई बराती वाले जैसे दूल्हा कपड़े पहनता नॉर्मल वो नहीं पहने थे। क्या पहने थे, शेर की छाल, चीते की छाल पहनी थी और भस्म लगाए थे और वो मुंडों की माला। तो सब लोग देख देख के हंस रहे थे। पहुन जे आवे हिमालय के ऊंचा में, जो लोग हिमालय के यहाँ आए थे अतिथि, सब देख के इनको हंस रहे थे। कहे पद्माकर सो काहूं सो कहे को कहा, ठीक है। सब एक दूसरे से कह रहे थे कि देखो ये दूल्हा कैसा है, ठीक। जो जहां देखे सो हंसे तहां राही में, जो जहां भी देख रहा था रास्ते में शंकर जी के ऐसे विचित्र रूप को यानी नग्न रूप को, वो वहीं पर देखते हुए हंस रहा था। उनको मग्न भय इस हंसे नग्न महेश थाड़े। जो भी ईश्वर गए थे, जितने भी ईश्वरगढ़ थे उनके भूत पिशाच थे, तो सब भांग का भैया नशा किए थे, ठीक है, और हंस रहे थे, मगन होकर हंस रहे थे। और भगवान शंकर जी एक कोने में खड़े थे और हंसे एवं हंसी हंसी के उमा में, और सब लोग हंस हंस के जो पार्वती जी हैं उनको भी देख रही थी, ठीक है। हंसी हंसे हंसे के उमा में, शीश पर गंगा हंसे, भगवान शंकर के जो सर पर विराजमान है गंगा जी वो भी हंस रही थी।
भुजंगनी भुजंगा से, भुजंगनी भुजंगा यानी गले में जो सर्पों की माला पहनते हैं वो भी, जो सांप है वो भी हंस रहा था। हाश के दंगा भयो नंगा के विवाह में, मतलब कि शंकर जी के विवाह में हंसी का दंगा ही हो गया। ठीक है, शंकर जी के विवाह में सब लोग इतना हंस रहे थे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका स्थाई भाव खुद ही आप समझ लीजिए, हास्य यानी इसका स्थाई भाव क्या था, हास्य हंसी मजाक वाली जो चीज हो, जो एग्जाम्पल हो, उसे हम उसमें जो रस होगा वो उसे हम क्या कहेंगे, हास्य रस कहेंगे। उसमें उपस्थित रस को हम क्या कहेंगे, हास्य रस कहेंगे। तो यहाँ पे तो आप देख लीजिए पूरे में शुरू से लेके अंत तक हंसी की ही बात की गई, हास का दंगा ही हो गया एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसका जो स्थाई भाव है हास की पुष्टि हो रही ना एग्जाम्पल के माध्यम से, तो पुष्टि हमने कर ली। अब दूसरे को समझाना है तो स्पष्टीकरण तो देना होगा ना, एक एक लाइन का स्पष्टीकरण देना होगा। यहाँ पर शिव जी के विवाह का वर्णन है तो इसका स्थाई भाव क्या है, हास, इसकी पुष्टि हो रही है, इस उदाहरण में हो रही है। आलम्बन इसका क्या है, हिमालय की अतिथि स्त्रियां, पार्वती जी की सखियां और जो भी हिमालय की अतिथि स्त्रियां थी वो आलम्बन है। ठीक है, आलम्बन है, आलम्बन और उद्दीपन यहाँ पे दोनों एक ही बात है। और आलम्बन विभाव क्या हो जाएगा, स्थाई भाव इसका हास है, आलम्बन हिमालय की अतिथि स्त्रियां हैं, आलम्बन विभाव क्या हो जाएगा, शिव जी का नग्न रूप या शिव जी का विचित्र रूप। आलम्बन विभाव क्या हो जाएगा, शिव जी का विचित्र रूप, उसी को तो देख के सब लोग हंस रहे थे, हंस हंस के लोट पोट हो रहे थे, हंसी का दंगा हो गया था। अनुभव क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा हंसना या लोटपोट होना, सब लोग लोटपोट हो रहे थे ना, इतना हंस रहे थे, हंसते हंसते पागल हो गए थे शिवजी के ऐसे विचित्र रूप को। तो यहाँ पे इसका स्थाई भाव हास की पुष्टि हमने कर ली, आलम्बन इसका हिमालय की अतिथि स्त्रियां हो गई, आलम्बन विभाव शिवजी का विचित्र रूप या नग्न रूप, और अनुभव हो गया हंसना या लोटपोट हो जाना। तो देख सकते हैं चार चीजों के संयोग से एक रस बनता है, बनता है कि नहीं बनता, परिभाषा में आपने देखा। तो इनमें इन सब में इनके स्थाई भाव हास की पुष्टि होती, अतः यहाँ पर क्या है, हास्य रस है, कंफर्म हो गया हास्य रस स्पष्टीकरण के माध्यम से। तो आई होप आपको हास्य रस समझ में आया, उदाहरण समझ में आया, स्पष्टीकरण समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।